तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ हटके और जबरदस्त 3BHK फ्लैट, जहाँ पे आपको मिल जाता है हॉबी रूम। यहाँ पे आप मेरे पीछे एक विंडो देख रहे हैं, ये इतनी ज्यादा बड़ी और हाई ग्रेड कैसे है, देखना है? हाँ, ये दिखाता हूँ। ये है आपका ग्रैंड डुप्लेक्स लिविंग एरिया। आज तक आपने लिविंग एरिया में विड्थ और लेंथ बहुत देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको हाइट भी देखने को मिल जाती है। इस लिविंग एरिया की हाइट आपको मिल जाती है 22 feet, और ये जो आपको विंडो दिख रही है, इस विंडो की हाइट आपको मिल जाती है 17 feet। इतना ह्यूज और ग्रैंड लिविंग एरिया मैंने आज तक नहीं देखा। इस लिविंग एरिया में अगर आप एक खूबसूरत सा शैंडलर लगाए तो एक अलग ही वाइब मिल जाता है। लिविंग एरिया के बिल्कुल इस साइड आपको मिल जाता है ये ह्यूज डाइनिंग एरिया विथ निश फॉर योर क्रॉकरी यूनिट। यहाँ पे आपको कवर्ड किचन मिलने वाला है। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे आइलैंड किचन कॉन्सेप्ट चूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे ये वॉल नहीं रहेगी, ये आपको ओपन किचन मिल जाएगा कनेक्टेड विथ डाइनिंग एरिया। इस किचन में आपको डबल किचन प्लेटफॉर्म मिल जाता है विथ ड्रायर बालकनी। जैसे कि मैंने कहा कि इस फ्लैट में आपको हॉबी रूम भी मिलने वाला है। ये रहा आपका हॉबी रूम, यहाँ पे आप पूजा स्पेस या फिर वर्क फ्रॉम होम स्टेशन, उसी के साथ ही साथ मेडिटेशन, आर्ट, म्यूजिक, ये सब भी एंजॉय कर सकते हो। और इस साइड आपको मिल जाता है आपका गेस्ट बेडरूम। इस गेस्ट बेडरूम में एंट्रेंस पे ही आपको मिल जाता है आपका अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम में आपको प्रीमियम ब्रांड सैनिटरी फिटिंग्स मिलने वाले हैं। इस साइड है आपका वार्डरोब के लिए दिया गया स्पेस, यहाँ पे आप ऐसा ही वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं। इस साइड आपको मिल जाता है आपके बेड के लिए स्पेस। आप लोग देख सकते हैं कि ये बेडरूम कितना ज्यादा बड़ा है। और आजकल गेस्ट बेडरूम में बालकनी कहाँ देखने को मिलती है, लेकिन इस बेडरूम में आपको मिलने वाली है कवर्ड बालकनी। ये फ्लैट आपको बटरफ्लाई लेआउट में देखने को मिलता है, इस वजह से लिविंग एरिया के उस साइड मिल जाते हैं आपके बाकी के दो बेडरूम्स। ये है आपके किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम में भी आपको काफी एम्पल स्पेस मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ आप इस तरह से अपना वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बच्चों का स्टडी टेबल आ जाएगा, और इस साइड आप अपने बच्चों का क्यूट सा बेड डिजाइन कर सकते हैं। इस किड्स बेडरूम में आपको ये बड़ी सी विंडो मिलने वाली है, जिस विंडो को आपको नीचे की साइड टफ एंड ग्लास मिलने वाला है, और ऊपर की साइड इस विंडो को आप पूरी तरह से ओपन कर सकते हैं फॉर द वेंटिलेशन। इस किड्स बेडरूम के बिल्कुल अपोजिट ही मिल जाता है आपको अपना कॉमन वॉशरूम और कॉमन वॉश बेसिन एरिया। यहाँ पे भी आपको प्रीमियम ब्रांड सैनिटरी फिटिंग्स मिलने वाले हैं। और इस साइड आ जाती है आपकी खूबसूरत और बड़ी सी मास्टर बेडरूम। इस मास्टर बेडरूम में आपको यहाँ पे ये अटैच वॉशरूम मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको वॉकिंग वार्डरोब भी मिलने वाला है। और आप देख सकते हैं कि ये मास्टर बेडरूम आपको कितना ज्यादा यूज मिल जाता है, बिल्कुल लग रहा है ना एक 2BHK के लिविंग एरिया जितना। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है अटैच्ड और कवर्ड बालकनी। तो ये है आपके मास्टर बेडरूम की कवर्ड बालकनी। यहाँ से आपको मिल जाता है एक एक करके ग्रीन बेल्ट का व्यू। इस ग्रीन बेल्ट में आपको ट्री टॉप मचान मिल जाता है, सेंसरी गार्डन और पेट पार्क भी है। इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको 300 से भी ज्यादा फुल्ली ग्रोन 30 से 40 साल पुराने पेड़ मिल जाते हैं, जैसे कि आम है, चंदन है, नारियल है और नीम है, ऐसे कई सारे पेड़। इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग तो ये पेड़ है ही, साथ ही साथ इस ग्रीन बेल्ट में भी ये पेड़ आपको देखने को मिल जाते हैं। डुप्लेक्स लिविंग एरिया, 3 balconies, वॉकिंग वार्डरोब भी, और क्या चाहिए, ये सब आपको मिल रहा है 1.64 crore ऑल इंक्लूसिव में। ये प्रोजेक्ट अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो जल्दी से आइए और अपना टोकन कीजिए। और अगर आपको साइट विजिट करनी है या टोकन करना है तो आप हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साइट विजिट के लिए हमारी तरफ से क्या फैसिलिटी भी फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।